जय माता दी। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल हाउसवाइफ प्रतिभा ब्लॉग में। ये देखिए, आज हमारा जो प्लांट है वो है सॉन्ग ऑफ इंडिया, यानी कि इसका जो नेम है ड्रेसिना रिफ्लेक्सा। ये ड्रेसिना फैमिली से बिलोंग करता है और इंडोर प्लांट के तौर पे ये बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट है। ये कॉमनली हाउस प्लांट है जो हर घर में ज़्यादातर पाया जाता है और ईजिली सभी नर्सरीज में ये अवेलेबल है। और जो अभी आप देख रहे हैं, ये मैंने 25 रुपए का ही वाला प्लांट मुझे मिला था, तो मतलब 25 का मिलता तो नहीं है जहाँ तक मुझे लगता है। वेरिगेशन वाला जो होता है वो 50 रुपीज़ का मैंने लिया था। मेरा ओवर वाटरिंग से ख़राब हो चला है क्योंकि उसकी मतलब ड्रेनेज होल सिस्टम जो है उसका अच्छा नहीं था। मिट्टी तो मैंने वेल ड्रेन ही बनाई थी बट उसका ड्रेनेज सिस्टम थोड़ा कम सही था, इस वजह से उसमें पानी लगा रहता था, जिस वजह से वो ख़राब हो चला है मतलब। लेकिन मैंने उसकी कटिंग फिर भी लगा ली है और यहाँ पर मैं ये जो भी मैं लाई थी नर्सरी से, इसे मैं रिपोर्ट कर रही हूँ, आज इसे को रिपोर्ट करूँगी। तो फ्रेंड्स, इस प्लांट को मतलब अभी बारिश का मौसम चल रहा है तो आप कोई भी प्लांट्स लिए और ईजिली रिपोर्ट कर सकते हैं। इसकी कई वेराइटीज़ होती हैं, एक वेरिएशन वाला होता है, तो मैं बता चुकी मेरा ख़राब हो चुका है बट मैंने कटिंग लगा ली है, लास्ट में दिखाऊँगी आपको। और वेरीगेटेड वाला जो है वो 50 रुपीज़ का नर्सरी में छोटा प्लांट मिलता है। बड़े प्लांट की कीमत 150-200 तक जाती है, 250 तक भी चली जाती है जैसे प्लांट छोटा बड़ा होता है, बट स्टार्टिंग प्राइस 50 रुपीज़ होता है, 40 से 50। ये वाला मुझे 25 का मिला है। तो चलिए, आज हम पहले बता देते हैं आपको कि आपने इसको लगाने के लिए आपने सॉइल मिक्सचर कैसे रेडी करना है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो सॉइल मिक्सचर है उसको तैयार करने के लिए आपने 40% गार्डन सॉइल लेनी है, मिट्टी आपने 40% रखनी है, कंपोस्ट आप 30% रख लीजिए, कोई भी कंपोस्ट रख लीजिए चलेगा, वर्मी कंपोस्ट, किचन कंपोस्ट, काउडंग कंपोस्ट, कोई भी चलेगा। और इसके बाद आपने लेनी है सैंड यानी कि बालू, वो आपने 30% लेनी है क्योंकि हम मिट्टी वेल ड्रेन तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम बालू की मात्रा 30% रखेंगे। और ये भी देख सकते हैं मैंने निकाल लिया है, यहाँ पर मेरे पास दो प्लांट है इसमें, तो मैं दो को अलग अलग पार्ट में शिफ्ट करूँगी क्योंकि बारिश का मौसम है तो कोई मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, रिपोर्टिंग का बेस्ट टाइम है। तो फिलहाल तो मैं ट्रांसप्लांट कर रही हूँ, नर्सरी से लाई थी, तो रूट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो सबसे पहले तो हम रूट्स थोड़ा सा ट्रिम करके छोटा कर लेंगे, इसको रिपोर्ट कर लेंगे। और फ्रेंड्स, इसका सॉइल मिक्सचर उसमें आपने थोड़ा सा हल्दी भी मिला लेना है या कोई फंगीसाइड वगैरह मिलाना चाहे तो आप मिला सकते हैं, मेरे पास तो नहीं है, मैं हल्दी ही मिलाती हूँ सॉइल मिक्सचर में। और इसके बाद बात करें सनलाइट की, तो फ्रेंड्स, इंडोर अगर आप कहीं भी रख रहे हैं तो ऐसी जगह रखें जहाँ पे हल्की ब्राइट लाइट आती रहे, मतलब पूरी तरह से शेड में ना रखें जहाँ अंधेरा रहे और सनलाइट हल्की फुल्की भी ना पहुँचे। तो फ्रेंड्स, ऐसे में इसका जो वेरिएशन होता है वो ख़त्म हो जाता है, पत्तियाँ पूरी तरह से ग्रीन हो जाती हैं। फिलहाल ये तो मेरा ग्रीन वाला ही है प्लांट है। और अगर आप आउटडोर रख रहे हैं तो आउटडोर में ये चीज़ ध्यान दें कि इसको सुबह की या शाम के 1-2 घंटे की लाइट मिले, सनलाइट मिले, सुबह की 1-2 घंटे की धूप या शाम को 1-2 घंटे की धूप, दोपहर की आपने तेज़ धूप से इसको बचाना है, अदरवाइज तब भी इसकी पत्तियाँ जल जाएंगी, तो तेज़ धूप में आपने इसको रखने से बचाना है। और फ्रेंड्स, प्रोपगेशन की बात करें तो फिलहाल अभी आप इसको प्रोपगेट कर सकते हैं, रेनी सीजन चल रहा है, इसकी स्टेम की छोटी सी कटिंग अगर ऊपर से ले लेंगे आप और लगा लेंगे तो जो है ये ईजिली इसकी कटिंग्स वगैरह लग जाएगी। और फिलहाल के फ्रेंड्स, इससे क्या होगा, दो फायदे होंगे, आपका 1 से 2 प्लांट भी तैयार हो जाएगा, और दूसरा जो फ़ायदा है कि जहाँ से आपने पुराने प्लांट्स को कट किया होगा ना, वहाँ से आपको 2 से 3 ब्रांचिंग दिखाई देने लगेगी, यानी कि हमारा प्लांट इससे घना भी बनेगा। इसके बाद बात करते हैं फर्टिलाइज़र की, तो फ्रेंड्स, इस प्लांट को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की नीड नहीं होती है। फ्रेंड्स, इससे आपने 6 महीने में एक बार जो है गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट, किचन कंपोस्ट, कुछ भी जो आप देते हो दे सकते हैं। इसके बाद आप चाहें तो हर महीने इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र जो हम किचन का बनाते हैं, यानी कि जैसे चाय पत्ती का हुआ, चावल का पानी, दाल का पानी, ये सब चीज़ें आप प्याज के छिलके का जो पानी बनाते हैं हम लोग, वो आप महीने में एक बार आप इसको दे सकते हैं। तो इससे क्या होगा, ये प्लांट जो है ना बहुत तेज़ी से और बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा, इसकी पत्तियाँ हरी हरी बहुत खूबसूरत लगेंगी। और इसके बाद फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इसकी वाटरिंग की, तो फ्रेंड्स, ये जो प्लांट्स है ना, इसको बहुत ज़्यादा मतलब वाटरिंग पसंद नहीं है, मैंने
समझा, कुछ लोगों ने कहा कि इसको ये वाटर लविंग प्लांट है, बट फ्रेंड्स ऐसा कुछ नहीं है। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसको अगर आपके प्लांट्स में नमी बनी रहती है लगातार, तो हल्की नमी तो चलेगी, आपने वेल ड्रेन सॉइल तैयार किया तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि मैंने अभी बताया, जो सॉइल मिक्सचर है इसका जो ड्रेनेज सिस्टम है वो आपने अच्छा रखना है। और आप इसको ट्रांसप्लांट कर रहे हैं या ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो ध्यान दें कि एलोवेरा का जो मतलब होता है वो लगा लें, एलोवेरा की पत्तियां तोड़ के इसका जेल वगैरह लगा लें, फंगीसाइड वगैरह लगा लें। फ़िलहाल तो मैंने कुछ नहीं लगाया क्योंकि बरसात का मौसम है, तो ये इजीली जो है लग जाएगा। और फिलहाल आज मैं वीडियो अपलोड करूँगी, आज शायद 11 तारीख है, हाँ फ्रेंड्स आज 11 तारीख ही है, और इसको मुझे लगाए हुए आज 3 दिन हो चुके हैं। मैंने इसको 9 तारीख को लगाया था, और इसका अपडेट जो है वो शॉर्ट वीडियो में ही मिलेगा आपको। तो देख सकते हैं मेरी मिट्टी पहले से तैयार है, ड्रेनेज सिस्टम मेरा बहुत अच्छा है, जो मतलब इन पॉट का ड्रेनेज सिस्टम है ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसको मैंने मनी प्लांट के लिए इन पॉट्स के तैयार किया था। इसके बाद फ्रेंड्स जो आपने करना क्या है, पॉट में सबसे पहले कंकड़ वगैरह रख के कुछ भी ड्रेनेज होल को आपने कवर करना है। उसके बाद आपने थोड़ी सी पत्तियाँ, सूखी पत्तियाँ, हरी पत्तियाँ जो भी हो वो आप डाल दीजिए। तो हमारा जो प्लांट्स है ना, जब ये पत्तियाँ बाद में गल जाएंगी तो हमारे प्लांट्स को खुद ही न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती रहेंगी। उसके बाद आपने मिट्टी फिल करनी है और पॉट को आपने 1 इंच खाली रखना है। अगर आप ज़्यादा खाली रख देंगे तो आप ज़्यादा वाटरिंग कर देंगे, तो इससे भी दिक्कत हो सकती है। इसीलिए पॉट को सिर्फ 1 इंच खाली रखें, इससे क्या होगा कि हम सिर्फ उतना ही पानी देंगे जितना पॉट हमारा खाली रहेगा, और वेल ड्रेन सॉइल है, पानी भी बह जाएगा और हमारे प्लांट्स में हल्की फुल्की नमी तो रहेगी, लेकिन इसकी जो मिट्टी है वो स्वेगी नहीं होगी, चिपचिपी या लगातार गीली नहीं रहेगी। क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा एक ख़राब हो चुका है, तो ख़राब क्या हुआ है, मैंने इसको कटिंग लगा ली है और मुझे मतलब 99% उम्मीद है कि उसकी कटिंग मेरी चल जाएगी। तो वो भी मैंने वीडियो शूट किया था, बट मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, क्योंकि पुरानी मोबाइल मेरी हो गई है तो हैंग वगैरह करने लगता है, इस वजह से वो वीडियो डिलीट हो गया। अदरवाइज मैं उसकी प्रोग्रेशन की वीडियो भी आपको मैंने बनाई थी अपलोड करने के लिए, बट मैं अपलोड कर नहीं पाऊँगी। और इसके बाद देखिए, आपने प्लांट्स रखा, थोड़ी बहुत मिट्टी डालने के बाद यहाँ पर जैसे मैं लगा रही हूँ, आपने अच्छे से चारों तरफ से इसकी सॉइल को दबा देना है ताकि इसमें एयर न रह जाए, जैसे मैं कर रही हूँ, अच्छे से दबाना है आपने। और आप देख सकते हैं नर्सरी से मेरा मतलब 25 रुपये का लाई थी और यहाँ पर मेरे पास 2 प्लांट्स तैयार हो चुके हैं। और फ्रेंड्स बात करें इसमें पेस्ट अटैक की, तो इसमें कोई भी पेस्ट अटैक ना के बराबर होता है, मैंने देखा नहीं है फिलहाल। और अगर हो भी रहा है तो आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, वाटर में मिला के पानी में थोड़ा बहुत 8 से 10 ड्रॉप नीम ऑयल मिला लीजिए, आधा चम्मच, और थोड़ा बहुत उसमें हैंड वॉश या शैम्पू मिक्स कर लीजिए। और ये देखिए, ये वाला जो है ये मैंने कटिंग लगा ली है ऊपर से कट करके, दो और इसमें जो मेरा पुराना रूट्स था ना इसका, मैंने वो लगाया है। और मतलब मुझे रूट्स ये वाला चलने के कम चांसेस है ब्लैक वाले पॉट के, बट मेरी कटिंग जो है वो मुझे 100% उम्मीद है कि चल जाएगी। अब देखते हैं क्या होता है। फ्रेंड्स ट्रांसप्लांट करने के बाद प्लांट को रखें शेडी एरिया में। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।